देखिए दुबई में सुबह होने वाला है, अभी नहीं हुआ सुबह। हाँ, इससे यहाँ का माहौल है, दुबई का चौराहा है, देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ब्लॉगर पर बने रहिए। आगे वीडियो में दिखाता हूँ, एक मिट्टी का ढेर लगा है, उस पर पौधा लगाया गया है, यहाँ पर ऐसे होता है। हाँ, दुबई का इधर रोड है पूरा, बहुत बड़ा, देख सकते हैं क्यारी फुलवारी सब बना हुआ है, ऐसे यहाँ का डिजाइन रहता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पौधा लगा देते हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसे ही रहता है, फूल पत्ती बहुत रहता है। तो ये दुबई का सोनापुर का एरिया है, यहाँ पर बगल में कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, 2 किलोमीटर लंबा। ऐसे रहता है, आगे बहुत बड़ा चौराहा है। और यहाँ देखिए इस तरह से फूल उल लगा हुआ है डिजाइन में। और यहाँ देखिए जो हम लोगों का उधर काफ बड़ेला होता है, इधर ऐसा होता है, देखिए सब डिजाइन में बनाए हैं शोबाजी करने के लिए। देखिए रोड के उस तरफ भी फूल पत्ती है, इस तरफ भी है, और वो मिट्टी को खींच करके पहाड़ जैसा बनाया गया है, उसमें भी फूल पत्ती लगाया जा रहा है। मेन रोड पे हूँ, चौराहा पर पहुंचने वाला हूँ, ब्लॉक में बने रहिए। मैं दिखाता हूँ आगे भी आप लोगों को, देखिए ये झाड़ी वाड़ी सब लगा है, देखने में डिजाइन बनाना दिए हैं। देखिए उस तरफ भी कैसा नजारा है, एकदम फर्स्ट क्लास, फूल पत्तियां सब हैं, देखिए। देखिए पूरा ब्यौरा दिखाएंगे आज, XYZ सब दिखा देंगे, क्योंकि मैं गांव भी आने वाला हूं ना, तो ये सब दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। इस वक्त का नज़ारा है, इस वक्त आपका 3 तारीख है और मई का महीना है और दिन आपका बुधवार है, और यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा है। टेंशन नहीं लेना, लाइन पर बने रहिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, और ये ब्लॉग बहुत लंबा बनाना है यह भी जान लीजिए, क्योंकि मेन दुबई के चौराहा का इधर नज़ारा है, तो इसको बनाना ही पड़ेगा पूरा, भले ही वीडियो कुछ लंबा हो जाए, देखेंगे तो आप लोग भी आनंद ले सकते हैं। देखिए कैसे डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पर खलान उचान है इतना, लेकिन फिर भी इसको ऐसे लगा दिया गया है, देखिए। और आगे दिखा रहा हूँ, चौराहा आगे है, बहुत लंबा है, लाइन पर बने रहिए। यहाँ पर बिजली और पानी कैसे कैसे क्या चलता है बता रहा हूँ। देखिए पेड़ों के लिए पाइप को लेंथ करके सुराख करके लगाया जाता है, देखिए इस पाइप के माध्यम से पानी पा जाता है, रोड हरा भरा हमेशा रहता है। लोग पूछते हैं वहाँ पर पौधा नहीं होता है, मिट्टी नहीं मिलती है, बरसात नहीं होता है तो कैसे रहता है, तो देख लीजिए यहाँ पर ऐसे रहता है, पानी की लाइनें नीचे रहती हैं, टंकियों की ऐसे रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन का छोटा छोटा ऐसे घर बना रहता है, एक पाइप है, और यहाँ पर नक्शा भी लगा रहता है कि कौन सा कितने किलोमीटर पर क्या है, इसका एक कोट नंबर रहता है,
देखिए वाटरमैन यहाँ पर लिखा हुआ है, 1200 मिलीलीटर ऐसे कुछ है, देख सकते हैं। तो एकदम जनमन तरीके से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए वहां भी ऐसा है पानी पाइप। चलते रहिए मेरे साथ, बने रहिए। राम राम दोस्तों, चलते रहिए। बिल्कुल सुबह का नज़ारा है एकदम, मॉर्निंग में। इस समय दुबई में बज रहा है टाइम 5:30 के आसपास में हो रहा है, इसलिए धूप नहीं निकला है। जो भी रहेगा वो एकदम क्लियरिटी दिखाएगा। देखिए जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ सूख जाता है, देख लीजिए। देखिए इसमें ऐसा पानी लगा रहता है तो ऐसा बिछारा वाला रहता है। पूरा ब्लॉक देख लेंगे तो पूरा दुबई का सिस्टम समझ जाएंगे, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पानी दाना कैसे है, देख लीजिए। ये एलोवेरा का पौधा ये है, और ये एलोवेरा का दूसरा रूप है, झाड़ियों वाला जंगली। ये देखिए एलोवेरा बहुत बड़ा फूल फल के उजड़ हो रहा है। चलते रहिए, देखिए मर रहे हैं सब पौधे, धूप ज़्यादा पड़ रही है, मर रहे हैं। देखिए और ये देखिए जो फले हुए हैं सूखे हुए हैं, जो नहीं फले हुए हैं हरे हुए हैं। चलिए लगे रहिए लाइन पर, बने रहिए। आगे देखिए हरियाली बढ़ रही है, चौराहा नज़दीक आ रहा है। गांव का चौराहा नहीं, दुबई का चौराहा। चिड़िया देखिए पेड़ के नीचे, चिड़ियों को पानी पीने के लिए ऐसा रखा जाता है, जैसे कमेंट में बोलता हूँ ना, चिड़ियों को पानी पीने के लिए रखिए। देखिए यहाँ पाइप से पानी रोप करके लोग रख देते हैं चिड़ियों के लिए पीने के लिए। देखिए देखिए आगे और मस्त है, अभी तो ये सब ट्रेलर दिखा रहा हूँ, लगे रहिए। देखिए यहाँ पर कई चौराहा जॉइंट है, तो बहुत गाड़ियाँ हैं इधर आते जाते रहते हैं। 8-8 रोड एक तरफ मुड़ी रहती हैं एक ही में। देखिए देखिए सूख रहे हैं, मर रहे हैं। देखिए पानी का लाइन यहाँ पर प्रॉपर है, साफ सुथरा है, स्वच्छ है, अच्छा है, खिला हुआ है। ये सब कैंप है लोगों का, इसमें लोग रहते हैं, चकाचक फर्स्ट क्लास जिंदगी है इनकी। देख लीजिए बबूल के जैसा, कांटे जैसा यहाँ पर सजावट है, देख लीजिए। किसी काम का है नहीं, लेकिन सो है तो सो है। और उधर देखिए नीचे खड्ढे में कितना बढ़िया फूल लगा है। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा अच्छा। अच्छा ब्लॉक में बने रहिए, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा मिनट का समय नहीं लूँगा। 12 मिनट का एक एक वीडियो रहेगा, देखते रहिएगा। ये पार्ट 1 वीडियो चल रहा है, पार्ट 2 वीडियो आगे मिलेगा। देखिए देखिए कितना बड़ा बड़ा पौधा है, इसमें पाइप का कनेक्शन है, हरा भरा रहता है। ऐसे ही छोटा छोटा कनेक्शन रहता है पानियों का। देखिए किस तरह से पौधे पानी पाते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल लगे रहिए लाइन पर। देखिए सब कैंप है, मोबाइल टावर है। ऐसे धूल कम रोड पर उड़ने पाए, इसीलिए यहाँ पर गिट्टी गिरा दिया जाता है, पत्थर छोटा छोटा। देखिए जहाँ पर पौधा नहीं लगाना है वहाँ का पाइप तोड़ दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, ऐसे बाइंड कर देते हैं उसको, पानी ना बहने पाए फालतू। लगता है ब्राइटनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। एलईजी मीडियम ब्राइटनेस कर दिया, आप लोगों को क्लियरिटी दिखे, सुंदर दिखे नज़ारा। देखिए हरे भरे जगह पर रहिए,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुबह में इधर वॉकिंग जॉकिंग लोग करते रहते हैं, मस्त जिंदगी है सब लोगों की, अपने अपने में बिजी रहते हैं। किसी से टेंशन नहीं लेना है किसी को, सबको अपनी अपनी ड्यूटी प्यारी है। इधर लोगों का कैंप है, मेन चौराहा पर आ गया हूँ। देखिए कितने लंबा रोड है, बहुत लंबा चौड़ा है। उस ब्रिज पर भी जाना पड़ेगा मुझे ब्लॉकिंग करने के लिए। हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें सब लोग, वीडियो पर बने रहें, क्योंकि जो रियलिटी मैं दिखा रहा हूँ शायद आगे आपको ना देखने को मिले, क्योंकि मैं तो दुबई छोड़ ही रहा हूँ। देख लीजिए चकाचक। देखिए यहाँ कुछ दूसरे तरीके का पौधा लगा दिया गया है। देखिए ब्लॉकन पूरा एकदम क्यारी हरा भरा है, टेंशन मत लीजिए। देखिए कैसी कैसी क्या व्यवस्था है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। बगल में कैंप है, नीचे फुलवारी है, लगे रहिए। मस्त जिंदगी है लोगों की, मस्त मस्त फूल है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। चकाचक कैसा ऐसा आप लोगों को पौधा दिखाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा फूल है, देखिए छोटा छोटा फूल खिला है। देखिए यहाँ पर पानी और वो वाला व्यवस्था नहीं लगाना है, पाइप साइप झगुआ भर का सब व्यवस्था रहता है। 500 किलोमीटर की दूरी से पानी चला दे देंगे, बटन चिप देंगे तो यहाँ पानी आ जाता है। यही सब सिस्टम है यहाँ का। देखिए देखिए यहाँ का पौधा निकाल लिया गया है, अब मजदूर आएंगे तो दूसरा पौधा यहाँ पर लगेगा। देखिए ये देखिए देखिए वहाँ से वो दूसरा गाटा है, ये दूसरा गाटा है, ये दूसरा गाटा है, देख लीजिए। ये पार्ट वन में अगर मैं पूरा नहीं ब्लॉग दिखा पाऊंगा तो आपको पार्ट टू भी देखना पड़ेगा। तो चकाचक है। अब मैं सीढ़ी की तरफ चल रहा हूँ। देखिए यहाँ आपका डस्टबिन है कचरा रखने वाला, जो लोग सीढ़ी के ऊपर जाएंगे वो कचरा यहाँ रख देंगे। पहले मैं सीढ़ी के नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाद में दिखाता हूँ ऊपर का माहौल। देख लीजिए फर्स्ट क्लास पूरा रियल रियल दिखा रहा हूँ। फ्रंट कैमरे से उतना क्लियर नहीं आता है दोस्तों, इसीलिए बैक कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ ब्लॉकन में। ये देखिए सीढ़ी की बनावट है, अब हम सीढ़ी से ऊपर जाएंगे। लाइन पर बने रहिए। 13 मिनट का वीडियो हो गया है, अब मैं इसको बंद करता हूँ। नेक्स्ट 2 में देखिए